सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिक्स जुलाई न्यूज़पेपर ठीक है जी चलिए हेलो 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 एंड वेलकम टू एरव चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्या है आज ठीक है जी ओके अगर हम न्यूज़पेपर के हिसाब से देखें कैटेगराइज करें तो चार टॉपिक आज द हिंदू के अंदर मिलते हैं दो इंडियन एक्सप्रेस और दो टॉपिक पी एक टॉपिक डाउन टू अर्थ के अंदर ठीक है जी अगर सब्जेक्ट वाइज क्लासीफाई करना है तो दो इन्वायरमेंट के अंदर एक साइंस एंड टेक के अंदर दो इकॉनमी के अंदर ठीक है जी ये है पॉलिटी सॉरी यहाँ पे पॉलिटी के अंदर तीन टॉपिक है देन हिस्ट्री के अंदर एक है उसके बाद जो एम पूरे साल के वहाँ पे हम पांच रोज़ डिस्कस करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड तो आज इकॉनॉमी के डिस्कस करेंगे इकॉनॉमी डे टू चलिए ओके तो यहाँ पे अगर द हिंदू को देखें तो ये सारी वहाँ पे जो न्यूज़ आई हैं आज तो उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर पहले बात करते हैं एल्बिनो पाम सेवेट सेवेट बेसिकली अगर हम एल्बिनो का मतलब क्या होता है जैसे मान लो मेलनिजम है, है ना एक कलर आता है हमारी बॉडी के अंदर जब रिसेसिव जीन जो रिसेसिव जीन होते हैं जो अगर इकट्ठे हो जाएं जैसे मान लो टी टी इकट्ठे हो गए अगर टॉल टी या डोमिनेट है है ना टी एंड स्मॉल टी ये भी टॉल को डिनोट करता है मतलब कैपिटल टी जो है डोमिनेट है ये अकेला भी डोमिनेट करता है तो जो रिसेसिव टी है ये स्मॉल के लिए लेकिन यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो टॉल ही आएगा क्योंकि ये वाला टी डोमिनेट है ये दोनों टी डोमिनेट ऑब्वियसली यहाँ पे टॉल आएगा ये दोनों टी स्मॉल है तो यहाँ पे जो रिसेसिव है तब ये स्मॉल वहाँ पे ऑफस्प्रिंग आता है इसी तरह हमारी स्किन के भी कलर हैं ठीक है जी जब स्किन के अंदर जैसे पूरा बिल्कुल वाइट आ जाए तो उसको एल्बिनो भी बोलते हैं ठीक है जी तो ये आपने थोड़ा सा इतना ही ध्यान देखना है तो अभी कलर वेरिएशन जो बेसिकली जो कोट कलर है उसका जो स्किन कलर अगर हम बात करें सिवेट का तो ये सतकोसिया टाइगर रिजर्व के अंदर देखा गया है पहली बात दूसरी बात अगर हम बात करें तो आपने क्या ध्यान रखना है कि ये उड़ीसा के अंदर बहुत टाइम बाद देखा गया अराउंड वन ट्वेंटी नाइन ईयर्स ठीक है तो ऐसा नहीं है कि ये कि बिल्कुल कोई अलग स्पीसीज़ है बेसिकली ये सब स्पीसीज़ ही गिनी जाती है ठीक है जी तो यहाँ पे जो कॉमन पाम सेविट है हमारी इसकी ही जो सब्सपीसीज है मतलब इसके अंदर अगर सपोज करो बहुत ज़्यादा इंटरब्रीडिंग हो गई उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कई बार जो रिसेसिव जीन है वो निकल आते हैं जहाँ पे उसका कलर वेरिएशन आता है तो उसको ही तो उसकी ही सब स्पीसीज़ हुई है ठीक है जी सदरन साउथ ईस्ट एशिया तो हमें लोकेशन देखनी है यू के मैंने आपको बताया कोई भी स्पीसीज़ है आई स्टेटस देखना है उसके बाद हमने देखना है कि उसका ए लोकेशन कौन सी है एटलीस्ट इतना तो हमने देखना ही देखना है ठीक है जी यहाँ पे इसका लाइफस्टाइल जो सॉलिटरी है इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर न्यूज़ के अंदर है तो हमने इसलिए इसको न्यूज़पेपर के अंदर आया तो उसको थोड़ा सा हमने पढ़ना है ठीक है जी ओके अब एल्बिनिज्म क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हाइपोपिगमेंट्री डिसऑर्डर मतलब जो पिगमेंट्स है जैसे हमारी स्किन का कलर है ऐसे हर एक ए, ए, एनिमल ह्यूमन बीइंग हम के कल हमारे कलर हैं लेकिन जब ये इसका पिगमेंट है जैसे हमारा जो मेलनिज्म है है ना मेलनिन है हमारी बॉडी को जो थोड़ा सा डार्क अपियरेंस देता है अगर मान लो ये नहीं है तो बिल्कुल ही वो हाइपो पिगमेंट हो गया तो हमारी वहाँ पर कलर कोई खास आता नहीं उसको बोलते हैं हाइपो पिगमेंट्री डिसडर ठीक है जी अब ये बताया जा रहा है कि ये हेरिटेबल एबसेंस ऑफ फंक्शनल जो टाइरोसाइनेज अनजाइम ये रिस्पॉन्सिबल है तो अभी रिसेंटली एक लिजर्ड के अंदर भी जो जीन uh, एडिटिंग के थ्रू इस जो एंजाइम uh, को साइलेंट किया गया था तो ये एंजाइम इम्पॉर्टेंट है प्री के लिए बस अपना ठीक है जी अब ये इनहेरिटेंस है ऑटोसोमल रिसेसिव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया रिसेसिव जीन क्या होते हैं दोनों आएंगे तो एक्सप्रेस करेंगे है ना तो रिसेसिव जीन ऑटोसोमल मतलब सेक्सुअल नहीं है ठीक है जी तो ये हमने बस थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है ओके अब लोकेशन देख लेते हैं यहाँ पे देखो तो अब, अब आप यू पी पूछेगी आपसे कि जो ए, 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 एशियन पाम सिवेट है, है ना ये कहाँ पे पाई जाती है तो क्या ये इंडिया के कौन कौन से रीज़न के अंदर तो आपको आपके पास पिक्चर होनी चाहिए इसकी तो मैंने बहुत सी स्पीसीज करवाई हैं मैंने सभी स्पीसीज की ऑलमोस्ट आपको पिक्चर दिखाई है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तो लास्ट ईयर के अंदर दो क्वेश्चन ऐसे ही आ गए थे अगर आपने पिक्चर देखी होती है तो हो सकता था आप उस क्वेश्चन को ठीक कर देते तो आई स्टेटस जो है लीस्ट कंसर्न है इसका चलिए सत कोसिया टाइगर रिजर्व आप बात करते हैं कि हमने टाइगर रिजर्व कहाँ पर पढ़ने हैं आपने पूछते भी हो क्या जो न्यूज़ के अंदर है वो कैसे पढ़ने हैं हमने कोशिश क्या करनी है कि जो टाइगर रिजर्व या फिर जो नेशनल पार्क अपना न्यूज़ के अंदर है उसको आपने उनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर जाना है तो अगर उड़ीसा गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल साइट के ऊपर जाएं तो उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा है बस ये हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि यूपीएससी वहीं से कोशिश करती है क्वेश्चन डालने की तो यू ऐसा नहीं कि कोई और सोर्स ज़्यादा रेफर करेगी मोस्ट चांसेज़ हैं कि वो चार लाइनें जो हैं एटलीस्ट हमें श्योरिटी तो होती है कि अगर आया तो ज़्यादा चांसेज़ हैं यहीं से वो क्वेश्चन हमें मिलेगा ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं तो ये पहली बात बायोजियोग्राफिकल रीजन जो बेसिकली टू दो पॉइंट हैं ऐसे यहाँ पे डेकन पेनसुला एंड ईस्टर्न घाट मिलते हैं उसी मीटिंग पॉइंट पे ये सतकोसिया टाइगर रिजर्व है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो पॉइंट है क्योंकि ये चीज़ें यूपीएससी पूछती है दूसरी बात की अगर हम बात करें ठीक है जी तो दूसरी चीज़ ये है कि क्या अब यहाँ पर कौन सा है ना जैसे मालूम क्लाइमेट कौन सा है क्लाइमेट यहाँ पे डेसीडस है ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि ईस्टर्न घाट और डेकन पेनसुला के पास कौन सा होता है डेसीडस जो फॉरेस्ट हमारे मिलते हैं तो वही वहाँ पे क्लाइमेट पाया जाता है ठीक है जी उसके बाद अब ये पहले दो सेंचुरी थी जिनका नाम है सतकोसिया गॉर्ज सेंचुरी एंड बाइसीपली सेंचुरी इन दोनों को मिला के ये बाद में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया तो लोकेशन फैक्टर इंपॉर्टेंट है डेफ़िनेटली आपसे पूछा जा सकता है कि मैच दी फॉलोइंग या फिर आपको सेंचुरी आ गई है कि सेंचुरी कौन से एरिया के अंदर लोकेटेड है तो उसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है ठीक है यहाँ पे आपको बताया उड़ीसा उड़ीसा के अंदर बहुत सारे क्रोकोडाइल को जो कंजर्वेशन एफर्ट किए जाते हैं हमने ऑलरेडी करे भी हुए हैं तो यहाँ पे ब्रीडिंग प्रोग्राम क्रोकोडाइल का स्टार्ट हुआ किसने किया बस ये याद रखना है उड़ीसा गवर्नमेंट ऑफकोर्स आएगी यू एन एंड एफ ठीक है जी उसके बाद रिसर्च वगैरह वहाँ पे और कंडक्टेड की गई 1975 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये वाली चीज़ हमारे लिए प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ते हैं ओके अब अगर हम बात करें कि बहुत सारी सिटीज़ के आसपास जो रिवर्स हैं हम क्या करते हैं जब सिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं जब सिटी आपने डेवलप कर रही है तो बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो जाती है है ना कि जो रिवर है रिवर के आप बैंक के पास सिटीज़ काफ़ी डेवलप होती हैं तो उसको जो उन वहाँ पे जो बेसिकली रिवर्स जा रहे हैं उसको कंजर्व करने के लिए अभी रिसेंटली एक मास्टर प्लान निकाला गया अब ये मास्टर प्लान क्या बोलता है मास्टर प्लान यहाँ पे ये बोलता है ये आपने टर्म जो ये चीज़ है पहली बात तो यहाँ पे मेंस के अंदर कोट करनी है ठीक है जब आपसे पूछा जाए सिटी डेवलपमेंट या आपसे इकोलॉजी कंजर्वेशन के बारे में या बायोडिवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में हमें क्वेश्चन आया तो वहाँ पर ये आप कोट कर सकते हो कि एक्चुअल के अंदर जो सिटी डेवलपमेंट है वो कैसे होनी चाहिए यहाँ पे क्या बोलता है पहले रिवर सेंसिटिव प्लान्स मतलब कि आप ऐसी जैसे मान लो आपने कोई सिटी वगैरह डेवलप की अब आप बहुत ज़्यादा जो रिवर के बैंक के पास ले गए तो जो बफर एरिया बफर एरिया क्या होता है जैसे मान लो ये रिवर है ठीक है जी तो इतना एरिया हमने यहाँ पर छोड़ दिया ये अपना रिवर है ये एरिया छोड़ दिया यहाँ पर अपनी सिटी है ठीक है जी जो बीच का एरिया है बफर एरिया जैसे मान लो फ्लड आ गया तो फ्लड वाला वाटर जो है इस एरिया के अंदर आ जाएगा है ना इस एरिया के अंदर आ जाएगा तो हमें एक प्रोटेक्शन मिलती है ये बफर एरिया बहुत जरूरी होता है किसी भी रिवर के आसपास यहाँ पे आपने कुछ भी जो एरिया डेवलप करना है अगर ये बफर एरिया नहीं है अब सपोज करो आपने यहाँ पे ही बहुत सारा जो होटल वगैरह खोल दिए अब क्या होगा जैसे फ्लड आया तो ये सारा इधर पहुँच जाएगा और हो सकता है कि कुछ लोगों की डेथ वगैरह वहाँ पर हो जाए ठीक है ये हमने ध्यान रखना है देन उसके बाद एम्पेथेटिक एंड ह्यूमन सोल्यूशन होना चाहिए कि मतलब आपने ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा जैसे मान लो वेस्ट भी आपका रिवर के अंदर जा रहा है अब जैसे वो रिवर के अंदर जाएगा होगा क्या वहाँ पे बहुत सारा एनिमल की डेथ हो सकती है क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल कम होगा जितना वेस्ट वहाँ पे रिवर के अंदर जाएगा जो बैक्टीरिया है उसको ब्रेक डाउन करेंगे उनको ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन लेवल वाटर का कम होगा उसके बाद जो एनिमल जो भी मैमल्स हैं या फिर हम फिशेस हैं है ना उनकी डेथ वहाँ पे हो सकती है ये हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है उसके बाद इन्होंने ग्रीन बफर की बात की मैंने ऑलरेडी बता दिया ठीक है जी उसके बाद बहुत सारा जो जैसे मान लो फ्लोर एरिया इशू है जो ग्राउंड कवरेज कितना कवरेज करना है ये सारी चीज़ें वहाँ पर बोलेगी एज क्योंकि ये आपको पूरा का पूरा नहीं लिखना है ना यहाँ पे एक या दो स्टेटमेंट आपने बस वहाँ पे लिखनी है एग्ज़ाम के अंदर या एग्जाम्पल देनी है बस इतना आपने काम करना है तो अपनी मर्जी से जो भी आपको इसको एक बार पढ़ना है जो भी आपको याद रहती बस वही आपने वहाँ पे लिख देनी है ठीक है जी ओके उसके अलावा यहाँ पे ये यह बोला गया कि जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है है ना जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके ऐसी टेक्नोलॉजी को हमने वहाँ पर लेके आना है ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हो बिग डेटा और ये सारी चीज़ें जो फ्यूचर के अंदर आएँगी ठीक है जी तो ये हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है अब ये इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ठीक है जी ये नेशनल गंगा काउंसिल के अंदर हमने पढ़ा भी हुआ है जैसे टू थाउजेंड eh, के अंदर है ना नेशनल गंगा रिवर बेसन अथॉरिटी बनी ठीक है जी अब उसके बाद इसकी एक अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा क्योंकि इसका तो जो चेयरमैन थे वो प्राइम मिनिस्टर थे ठीक है जी तो यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा इम्प्लीमेंट इसको करेगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा तो बेसिकली इट वाज इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंटिंग आर्म ठीक है जी तो अगर हम यहाँ पे देखें ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है क्या ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो बेसिकली इट इज़ अ सोसाइटी अब जब uh, मोदी गवर्नमेंट आई 2016 के अंदर तो इन्होंने क्या किया एक ऑर्डर पास किया 2016 के अंदर और इन्होंने बना दिया नेशनल गंगा काउंसिल इट मीन्स के जो पहले ये वाली स्ट्रक्चर थी नेशनल गंगा रिवर रिवरबेसन अथॉरिटी ये वाली इसकी जगह क्या बना दिया नेशनल गंगा काउंसिल इट मीन्स कि अब ये नहीं होगी है ना तो ये नहीं है अब इसका क्या होगा जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा तो इन्होंने बोला कि नेशनल मिशन फ़ॉर क्लीन गंगा पहले इम्प्लीमेंटेशन आम किसकी थी जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की इसको इसकी जो भी पॉलिसीज थी उसको इम्प्लीमेंट करती थी नमामी गंगे है ना ये सारा कौन इम्प्लीमेंट करता है नेशनल मिशन फ़ॉर क्लीन गंगा तो अब इन्होंने क्या बोला इसको हटा दिया और जो इम्प्लीमेंटेशन आम है मैंने ये करवाया भी हुआ आप, आपको पहले तो बेसिकली अब जो नेशनल गंगा काउंसिल है इसकी जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर है और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग आम है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का नेचर क्या है सोसाइटी है बस ये आपने ध्यान रखना है दो बार यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है ये भी मैं आपको बता दूं ठीक है जी तो ए, क्योंकि नेशनल गंगा काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया इससे 2016 से पहले दो बार क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर ये आ चुका है उस टाइम पे हमारी कौन सी थी नेशनल गंगा रिवर बेसन अथॉरिटी तो ये न्यूज़ के अंदर है तो हो सकता है कि दोबारा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए ठीक है जी तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना उसके बाद ये बता दिया मैंने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इसकी इंप्लीमेंटिंग आम है अब इसके अंदर भी काउंसिल दो बना दी एक है गवर्निंग काउंसिल दूसरी है एग्जेक्टिव कमेटी ठीक है जी अब जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट आपने अप्रूव करना है तो जो एग्जैक्टिव कमेटी है उसको पावर दी गई कि आप 1000 करोड़ तक का प्रोजेक्ट अप्रूव कर सकते हो उसके बाद ये मामला ऊपर जाएगा नेशनल गंगा काउंसिल के पास ठीक है जी अब इसको हेड कौन करते हैं डायरेक्टर जनरल जो एडिशनल सेक्रेटरी है जल्दी से इसका स्क्रीन ले लो मैं अभी साइड पर होता हूँ ओके ठीक है दोस्तों तो ये आपने ध्यान रखना देखो ऐसी चीज़ें क्वेश्चन के अंदर आ जाती हैं फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर फाइव आर्म बॉडी बनाएगी पांच बॉडीज़ हैं आपको यूपीएससी लास्ट ईयर अगर आप देखोगे क्वेश्चन आया था एक बॉडी पूछी गई थी कि क्या ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है या नहीं है तो यही क्वेश्चन हमें आ सकता है फाइव आर्म एम्पावर टास्क फोर्स बनाई गई जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज देन स्टेट गंगा कमेटी बनाई गई डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी बनाई गई ठीक है जी तो ये दो पहले वाली जो नेशनल गंगा काउंसिल एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा तो ये नंबर वन नंबर टू ठीक है जी उसके बाद अगर मैं बात करूँ नंबर थ्री नंबर फोर एंड नंबर फाइव तो डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी भी बनी है तो ये भी आपने जल्दी से स्क्रीन ले लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब वाटर रिसोर्स वाला तो जल शक्ति हो गया ठीक है उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि अब आपको यूपीएससी के लिए ध्यान रखना है अब स्टेट गंगा कमेटी बनाई गई है ये बनाई गई है नौ स्टेट के अंदर ऐसा ना हो कि जो आपको चार पांच स्टेट्स पता है है ना कि भाई गंगा कहाँ कहाँ पे जा रही है वही स्टेट के नाम नहीं है थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है उत्तराखंड के है? आप एग्ज़ाम के अंदर क्रैक कर दोगे यूपी के अंदर है कर दोगे क्रैक है ना बिहार के अंदर क्रैक कर दोगे वेस्ट बंगाल के अंदर क्रैक कर, सक... कर दोगे हो सकता है आप झारखंड या छत्तीसगढ़ इनको क्रैक ना कर पाओ इसके अलावा हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है ऐसा ना हो यहाँ पे आपको वो यू पूछ ले कि स्टेट गंगा कमेटी किसने किसने बनाई है तो ठीक है ये बेसिन के हिसाब से बनी है थोड़ा सा यहाँ पर आपने ध्यान रखना है अब बात करते हैं फेशियल रिकोगनीशन टेक्नोलॉजी की फेशियल रिकोगनीशन टेक्नोलॉजी अभी कोविड के केस के अंदर जैसे आधार कार्ड है आधार कार्ड से लिंक तो फेशियल रिकोगनीशन टेक्नोलॉजी आपने देखी होगी जो सिंपल भाषा में बोलता हूँ जैसे एक मोबाइल है मोबाइल को आप सामने रखते हो है ना वो फेस को डिटेक्ट करता है उसके फीचर डिटेक्ट करता है और अनलॉक हो जाता है ऐसे ही इन्होंने वैक्सीनेशन के लिए ठीक है लोगों को आधार कार्ड से मैच करने के लिए ये प्रोसेस स्टार्ट की लेकिन इसके अंदर इशू क्या है देखो किसी का भी फेशियल पूरा है ना डेटा इकट्ठा करना बेसिकली ये डेटा होता है पहले उसको समझते हैं काम कैसे करता है उसके बाद यहाँ पे आते हैं पहले होता है फेस डिटेक्शन मतलब जो कैमरा है कैमरा है वो फेस को डिटेक्ट करेगा ठीक है उसके बाद फेस एनालिसिस है ठीक है जी फेस एनालिसिस क्या करता है जैसे यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर यूज होगा सॉफ्टवेयर क्या करेगा जैसे सपोज करो फोर uh, हेड है ना उसकी uh, ये हाइट कितनी है उसके बाद फोर uh, हेड और नोज़ के बीच में डिफरेंस कितना है है ना देन लिप टू चिन डिफरेंस कितना है आई uh, सॉकेट वो कितने डीप हैं है ना उसके बाद जो पूरी फेशियल प्रोफाइल है वो सारी हर एक का डिस्टेंस वहाँ पे लिया जाता है तो बेसिकली यहाँ पे लिया क्या जाता है एक डिस्टेंस लिया जाता है जो बॉडी के फीचर्स का ठीक है जी चलिए अब उसके बाद उसके बाद डेटा फॉर्मेशन डेटा फॉर्मेशन इन द सेंस कि जो फेशियल जो फेस की हमारे पास इंफॉर्मेशन इन, है ठीक है जी ये तो है अभी एनालॉग है ना कि फ़ेस का क्या कौन सा फीचर कितना डिस्टेंस है कितना नहीं इसको चेंज करके डिजिटल के अंदर डिजिटल के अंदर मतलब डेटा ठीक है जी हमारे पास जैसे कोई भी फेशियल फीचर है उसके हिसाब से बाद में ये डेटा के अंदर कन्वर्ट होगा और डेटा बेसिकली ये एक कोड होता है कोड ठीक है जैसे फार्मूला आता है ना मैथेमेटिकल फार्मूले वैसे ही एक फार्मूले के अंदर कन्वर्ट होता है ठीक है जी जिसको हम फेस प्रिंट कहते हैं फेस प्रिंट ठीक है जी तो अब हमारे पास आया क्या अब हमारे पास एक फार्मूला आया अब इस फार्मूले को जो पहले जो भी पिक्चर्स हैं है ना वहाँ पे उसके साथ मैच किया जाएगा उनके फार्मूले के साथ मैच करते हैं तो लास्ट में आता है जो मैच फाइंडिंग तो यहाँ पे दो टाइप की मैच फाइंडिंग हो सकती है एक होती है अपनी टू दूसरी होती है थ्री ठीक है लेकिन ज़्यादातर जो है वो टू ही वहाँ पर की जाती है ठीक है ये थोड़ी सी क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी के ऊपर यू पी क्वेश्चन पूछती है तो थोड़ा सा इसलिए हमें इसको पढ़ना था अब फेशियल रिकोग्निजन टेक्नोलॉजी हो गया अब यहाँ पे इशू क्या है फिर तो गवर्नमेंट ने जो की है ना यूज़ किया उसके अंदर पहली बात तो ये है फेल टू प्रोवाइड एनी लेजिटिव या लीगल ऑर्डर गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट तो कर दी है ना क्योंकि देखो प्राइवेसी का इशू है सभी लोगों का डेटा आ जाएगा वहाँ पे उसको क्या वहाँ पे सिक्योर रखा जा सकता है क्या कुछ ब्रिज तो नहीं होगा ऐसा ना हो सर्विलेंस के लिए यूज़ हो है ना उस बंदे को फेशियल पिक्चर को बाद में थ्रू गूगल पूरा ट्रेस किया जाए उसकी जो फेसबुक वगैरह यहाँ पे कितनी सारी पिक्चर्स वगैरह होती हैं वो सारी ट्रेस की जाएँ क्या ऐसा हो सकता है तो इसके लिए क्या इसको रोकने के लिए क्या हमारे पास एक अच्छी खासी बॉडी होनी चाहिए उसके बाद वो बॉडी उसको पूरी अथॉरिटी देखेगी कि, कि ये डेटा वगैरह लीक ना हो लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के पास कोई भी जब आर भी डाली गई तो गवर्नमेंट ने बताया कि हमारे पास वहाँ पे कोई लीगल ऑर्डर नहीं था ये काम करने के लिए पहली बात दूसरा प्राइवेसी इशू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्राइवेसी इशू यहाँ पर आएगा ही आएगा है ना उसके बाद यहाँ पर वेरीफायर एंड वैक्सीनेटम मोड्यूलर जो मॉड्यूल यूज़र मैनुअल है बेसिकली ठीक है उसके अंदर ये सारा डेटा इंक्लूड करना था जो कोविन पोर्टल के साथ अटैच है लेकिन ये भी कोविन पोर्टल के ऊपर अवेलेबल अभी नहीं है ठीक है जी तो गवर्नमेंट बेसिकली कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाई कि हमने जैसे आधार कार्ड का आपने देखा था बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी आप कोई बॉडी तो बनाओ उसके बाद बॉडी बनाई हमने उसको आधार कार्ड को देखने के लिए है ना प्रोटेक्शन करने के लिए तो जो ट्रिपल टेस्ट हमने किया था ट्रिपल टेस्ट किससे रिलेटेड है वो राइट टू प्राइवेसी के साथ ही रिलेटेड है जो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर डिजाइन किया था उसको अगर पास करता है तो वो बॉडी वो ए, सुप्रीम कोर्ट उसको बोलता है कि जो ये ट्रिपल टेस्ट को पास करेगा वो ठीक है वो प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकती है ठीक है उसके बाद फेशियल रिकोगनीशन टेक्नोलॉजी क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको ये तो ठीक है जी तो यहाँ दूसरी बात मेरे एक और डिस्कस करनी है इंपॉर्टेंट है जो ये फेशियल जो रिकोग्नीशन टेक्नोलॉजी है ये बायोमेट्रिक का ही पार्ट है तो बायोमेट्रिक को अगर मैं क्लासीफाई करके बताता हूँ आपको थोड़ा सा यहाँ पर बायोमेट्रिक है ना बायोमेट्रिक को अगर हम क्लासीफाई करें है ना तो ये तीन टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए थोड़ा सा ध्यान दे लेना एक है बायोलॉजिकल बायोमेट्रिक बायोलॉजिकल बायोमेट्रिक यहाँ पे क्या लिया जाता है यहाँ पे बॉडी फ्लूट तो आपको यूपीएससी पूछ लेगी कि बायोमेट्रिक के अंदर क्या क्या आता है है ना उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है बॉडी फ्लूट जैसे किसी का डीएनए ले लिया है ना डीएनए सैंपल ले लिया पेरेंटल मैचिंग वगैरह है ना ये सारा काम यहाँ पे होता है दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल ठीक है जैसे आईज है ना फिंगरप्रिंट ये सारी चीज़ें शेप ऑफ फेस तो फेशियल रिकोगनीशन जो है वो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल के अंदर आता है जो हमारे रेटिना की इमेज लेते हैं उसके बाद जो हमारे फिंगरप्रिंट लेते हैं है ना आधार कार्ड के केस के अंदर वो सारे यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल के अंदर आते हैं उसके बाद तीसरा है बिहेवियर बिहेवियर बायोमेट्रिक ठीक है जी बिहेवियर बायोमेट्रिक uh, के वॉक कि उसकी वॉक कैसी है उसको ट्रेस करना है देन स्पीच को ट्रेस करना है ठीक है जी टाइप ऑन कीबोर्ड के कीबोर्ड के जो टाइप करता है इंसान उसका क्या पैटर्न है ये सारी चीज़ें तो याद रखना आप जब यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी बायोमेट्रिक के अंदर क्या आता है और नीचे यहाँ पे ये वाला उसने बोल दिया डी है ना देन स्पीच uh, या वॉक तो ये उसके ही पार्ट है ठीक है जी तो बायो मेट्रिकल uh, uh, अगर बेसिकली बात करें तो ये दिस इज़ अ बायोलॉजिकल मेजर ठीक है इसके तीन टाइप हैं बायोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल एंड बिहेवियर चलिए तो यहाँ पे हमारा प्री का क्वेश्चन हो गया अगर यूपीएससी के अंदर आएगा तो डेफ़िनेटली हम इसको कवर ये आपका हो जाएगा अब पास्ट न्यूज़ की भी तरफ देख लेते हैं क्या हमने फेशियल रिकोगनीशन को कहीं यूज़ किया है ऑटोमेटेड फेशियल रिकोगनीशन सिस्टम लेके आई एन ठीक है जी इन्होंने बोला कि जैसे मान लो बहुत सारे जो अपने पुलिस स्टेशन भी हैं उनको सभी को कनेक्ट किया जाए बहुत सारे क्या आते हैं आपके ऐसे लोग हैं जो क्राइम करते हैं उनका जो कई बार क्या होता है पिक्चर मैच करनी होती है ना क्रिमिनल पास्ट रिकॉर्ड वगैरह वो सारा यहाँ पे किया जाएगा दूसरी बात अब इसको किससे कनेक्ट किया जाएगा ऑलरेडी मैंने बता तो दिया है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम ठीक है जी यहाँ पे एन इसको मैनेज करता है उसके बाद जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाएगा देन खोया पाया पोर्टल ठीक है जी खोया पाया पोर्टल आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन बेसिकली इसको देखता है यहाँ पे जैसे मान लो कोई चिल्ड्रन है वो मिसिंग हो गया तो उसकी अगर पिक्चर है वो ट्रेस करनी बायोमेट्रिक के हिसाब से जो हमारे रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या, क्या रिकॉर्ड है ये सारी चीज़ों से कनेक्ट किया जाएगा ताकि एक एफिशियंट सिस्टम हमारा प्रिपेयर हो सके आगे बढ़ते हैं ठीक है जी उसके अलावा हमने एयरपोर्ट के ऊपर भी ये स्टार्ट किया है डीजी यात्रा के अंदर ठीक है इनिशिएटिव के अंदर तो एयरपोर्ट के अंदर जैसे मान लो कोई क्राइम करके एयरपोर्ट के अंदर एंटर किया है ना तो ऐसे क्रिमिनल जो इंटरनेशनल कहीं ना कहीं भागे होते हैं तो इनको एयरपोर्ट के ऊपर ही ट्रेस किया जाता है एक अच्छा काम है इसके अलावा जो तेलंगाना के अंदर इलेक्शन कमीशन है वहां पर भी इसको यूज किया है इलेक्शन के अंदर चलिए उसके अलावा अगर और टॉपिक देखें प्रोजेक्ट बोल्ड के वी आई सी ने बैम्बू ठीक है जी तो इन्होंने ये बोला कि बैम्बू पहले बैम्बू को हमने जो प्लांट करना है ठीक है इससे होगा क्या इसके कुछ फीचर्स हैं ठीक है जी जिसकी वजह से हमने बैम्बू को जो प्रमोट करते हैं पहले फीचर देखते हैं उसके बाद इसको पढ़ेंगे बैम्बू क्या है बेसिकली ग्रास है लेकिन इंडिया के अंदर जब एक्ट के अंदर वहाँ पे इसको ट्री माना गया पहली बात मैं अब वही हम कवर करेंगे ठीक है जी अब ये ग्रो बड़ी जल्दी करता है पहली बात ठीक है जी जब बहुत जल्दी ग्रो करेगा मान लीजिए कोई फार्मर्स हैं उन्होंने बोला कि हम बैम्बू को ग्रो करेंगे अब इसकी जो डिमांड बहुत है मार्केट के अंदर ये आपको बिल्डिंग के अंदर यूज़ होता है है ना बहुत सारी कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होता है तो इसकी मेडिसिन के अंदर यूज़ होता है तो इसकी डिमांड बहुत है अगर फार्मर इसको ग्रो करे तो वो उसको बेचे तो अच्छा खासा पैसा कमा सकता है है ना लेकिन यहाँ पे पहले एक इशू था इशू क्या था इशू के बारे में डिस्कस करते हैं वो था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ट्वेंटी सेवन यहाँ पर यह था कि बैम्बू को हमने माना है ट्री और अगर कोई फार्मर यहाँ पर इसको मान लो इसको काट के वो ट्रांसपोर्ट करता था एक जगह से दूसरी जगह उसको बहुत डिफिकल्टी आती थी क्योंकि यहाँ पे ट्री था और वहाँ परमिट चाहिए आप इलीगल उसको माना जाता था कि आप ऐसे नहीं फॉरेस्ट एरिया को खत्म कर सकते हैं ना तो इन्होंने क्या किया इसके अंदर अमेंडमेंट की ठीक है जी अमेंडमेंट के अंदर इन्होंने बोला कि बैम्बू जो है है ना जो ट्री की डेफिनेशन से उसको निकाल दिया लेकिन कौन सा बैम्बू बैम्बू देखो दोनों जगह ग्रो होगा एक तो फॉरेस्ट एरिया के अंदर होगा है ना एक नॉन फॉरेस्ट एरिया के अंदर होगा तो इन्होंने बोला कि जो नॉन फॉरेस्ट एरिया वाला वहां पे अब ट्री नहीं है मतलब वहाँ पे अगर आप इसको ग्रो करोगे उसके बाद इसको अपने काट के आपने बेचना भी चाहते हो ट्रांसपोर्ट भी आ, करना चाहते हो तो अब आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है पहले परमिशन लेनी पड़ती थी इसीलिए फार्मर बहुत सारे इसको ग्रो नहीं करते थे लेकिन यहाँ पे एक चीज यूपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन आ भी चुका है एक चीज़ ध्यान रखना कि जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर बैम्बू है उसकी अभी भी परमिशन नहीं है तो अमेंडमेंट ने सिर्फ जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है वहाँ से ही इसकी ट्री की डेफिनेशन से इसको अलग किया है ठीक है ताकि फार्मर की जो इनकम ग्रो कर सके लेकिन इशू क्या है मान लीजिए फार्मर उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहा है अब वो कैसे उसको जस्टिफाई करेगा कि ये फॉरेस्ट एरिया से आया है है या नॉन फॉरेस्ट एरिया से आया ये तो एक इशू रहेगा ही रहेगा है ना तो ये एक इशू हमारा है ठीक है जी ओके तो अब हमें समझ आ गया कि क्या हमने अभी जो गवर्नमेंट ने किया कि उसको अमेंडमेंट कर दी और जो फार्मर है नॉन फॉरेस्ट एरिया के अंदर उनको बेनिफिट होने वाला है अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं प्रॉपर्टीज़ देख के आपको पता चल जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है गवर्नमेंट क्यों प्रमोट कर रही है इसको पहली बात तो ये ठीक है ग्रो करता है विदाउट पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र तो इसको पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर की इतनी ज़रूरत नहीं है तीन से पाँच साल के अंदर बहुत ही इसकी स्पीसीज़ जो हैं वो मेच्योर हो जाती है उसके अलावा बहुत ज़्यादा इरीगेशन की जरूरत नहीं है ठीक है रेयरली रीप्लांट करने की आप उसको काटो वो दोबारा नीचे से दूसरा ग्रो कर जाता है ठीक है थर्टी ऑफ ऑक्सीजन ठीक है जो प्रोवाइड करता है ठीक है तो ये भी इसका जो अगर इक्वलेंट करें जो स्टैंड ऑफ ट्रीज़ के साथ ठीक है जी तो इट मीन्स के ये हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है ठीक है अब अब ये ग्रो करेगा जैसे देखो जितनी जल्दी ये ग्रो करेगा इट मीन्स इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो हमारा ये इवायरमेंट को भी क्लीन कर रहा है तो क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल ट्रीज़ अब बात करते हैं उसके अलावा तो बैलेंस करता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल स्टेटमेंट है ठीक है सोइल एरोजन क्योंकि जितना आप इसकी जो रूट्स हैं पकड़ के रखेंगी ठीक है नेचुरली है कि सोइल एरोजन को ये कम करेगा ठीक है जी उसके अलावा यहाँ पे फाइबर वगैरह के अंदर यूज़ किया जा सकता है वो भी देखते हैं कहाँ कहाँ पे यूज़ हो हाउसेस के अंदर स्कूल बिल्डिंग रोड्स ब्रिजेस मेडिसिन के अंदर यूज हो सकता है मेडिसिन के अंदर देखो यहाँ पे लिखा जैसे चाइना चाइना के अंदर कहाँ कहाँ पे किडनी डिजीज वगैरह के लिए यूज़ होता है रूट्स एंड लीव्स जो हैं इसकी कैंसर डिजीज के लिए यूज होते हैं ये सिर्फ एग्जाम्पल आपने मेन्स के अंदर कोट करनी है मेन्स के अंदर ठीक है अगर बैम्बू की सिग्निफिकेंस ऑफ बैम्बू है ना कि भाई अगर बैम्बू के ऊपर फोकस किया जाए तो इंडियन फार्मर्स जो हैं उनको इनकम हम प्रोवाइड कर सकते हैं डिस्कस करो तो वहाँ पे आपने एग्जाम्पल शो करनी है अगर मान लो यूपीएससी के अंदर आया कि बैम्बू जो मेडिसिन के अंदर ये चीज़ कर सकता है अब ऐसा थोड़ी ना ये कि सिर्फ कैंसर और उसको ट्रीट करता है बहुत सी इसकी एप्लीकेशन होगी है ना तो वहाँ पे आपने वो जो स्टेटमेंट है करेक्ट ही मार्क करनी है अगर आपको लगता है कि भाई यही स्टेटमेंट है इसके बेस के ऊपर हमने आंसर निकाला है क्लोथ के अंदर भी यूज़ किया जाता है इसको ठीक है क्लोथ बनाने के लिए देन फूड के लिए भी देन फ्यूल के लिए पेपर के लिए तो यहाँ पे बहुत सी एप्लीकेशन है एक एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप उठा के अपने मेंस के लिए काम करना प्री के अंदर आया तो वहाँ पे वो सारा ही आएगा जब तक तो कोई स्ट्रीम स्टेटमेंट नहीं आती ठीक है जी थी। अब प्रोजेक्ट हमने बोल स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमने बैम्बू को बेसिकली एरिड एंड सेमी एरिड लैंड जो जोन एरिया जैसे राजस्थान वगैरह वहाँ पर इसको ग्रो करना है एक तो देखो वहाँ पे डेजर्ट एरिया बहुत इंक्रीज हो रहा है तो इससे एक सॉयल इरोजन कम होगा अपना ठीक है फिर वहाँ पे अगर उस एरिया के अंदर देखें भाई इतनी तो बरसात होती नहीं इसको चाहिए भी नहीं है ना तो फार्मर्स को बेसिकली वहाँ पर ये एक जो इनकम का एक नया मेथड वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है लैंड डिग्रेडेशन डेजर्टिफिकेशन इसको हम कम करेंगे ऑलरेडी पढ़ लिया क्यों ये ठीक है के का खादी बेम्बू फेस्टिवल के हिसाब से इसको उसके अंदर ही ठीक है पार्ट उसका है उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया बस ये आपने ध्यान रखना है ठीक है और गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि हम इसको रेप्लिकेट कहाँ करेंगे कहाँ कहाँ पे गुजरात के अंदर करेंगे लेह लद्दाख रीजन के अंदर भी हम करेंगे लेकिन ये बस इतना ध्यान रखना है इसकी अगर यू के अंदर क्वेश्चन आया तो मुझे ये लगता है ज़्यादा चांसेस हैं एक तो आप प्रोजेक्ट बोल्ड के ऊपर स्टेटमेंट आएगी उसके बाद जो सिग्निफिकेंस है बैम्बू का उसके ऊपर आपको स्टेटमेंट आएगी इसीलिए हमने ये कवर किया है डिटेल के अंदर ठीक है दोस्तों इसके अलावा के हमने पहले भी पढ़ चुके हैं स्टेचरी बॉडी है ठीक है जी बस ये ध्यान रखना है एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस तो ये इसकी जो मिनिस्ट्री किसके अंदर है बस वो दो चीज़ें हमने पढ़नी है ठीक है जी अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करते हैं देखो ओके okay, ठीक है मैं बताता हूँ आपको ठीक है मैं आपका ये डाउट क्लियर करूँगा तो ये टॉपिक के बाद ठीक है जी ओके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखो कोई भी कंपनी है उसके अंदर डायरेक्टर होना जरूरी है ठीक है मतलब इन द सेंस जैसे मान लो बहुत सारे शेयर होल्डर हैं अब वहाँ पे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठती है तो उस डायरेक्टर के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं वहाँ पे वो तय करते हैं क्या क्या डिसीजन वगैरह वो अलग अलग मेथड है अलग अलग टाइप के डायरेक्टर रहते हैं अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होते हैं जैसे मान लो बहुत सारे जो कंपनीज के अपने ही पर्सनल इंटरेस्ट के है ना एक्जैक्टिव डायरेक्टर वगैरह आ गए एम आ गया तो वो तो अपनी कंपनी के अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा जो शेयर होल्ड होल्डर्स हैं जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी कोई डायरेक्टर होना चाहिए तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं तो यहाँ पे इस इनकी इंडिपेंडेंस मतलब कि ये कंपनी से बहुत ज़्यादा लिंक नहीं होने चाहिए तो इट इट मीन्स कि तभी ये रैशनल डिसीजन ले सकते हैं तो सेबी ने रिसेंटली क्या किया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ठीक है कैसे आपने अपॉइंट करना है उसके फ्रेमवर्क को थोड़ा सा जो और टाइट किया है लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नॉर्म्स अप्लाई होंगे फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी को तो ऐसा बहुत ज़्यादा नॉर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक जाके इसको ये अप्लाई होंगे लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दूसरी जो डायरेक्टर की स्ट्रक्चर है इसके ऊपर बाद में आते हैं उसको हमने थोड़ा सा देखना है पहले देखो डायरेक्टर इन अ कंपनी मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या है अब यहाँ पर कंडीशन रखी गई है जैसे मान लीजिए तीन डायरेक्टर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर होने चाहिए दो डायरेक्टर अगर प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनी है वहाँ पे एटलीस्ट होने चाहिए मिनिमम जो रखा गया मिनिमम एक डायरेक्टर होना चाहिए वन परसेंट कंपनी के अंदर और मैक्सिमम पंद्रह डायरेक्टर क्या पंद्रह से भी ज़्यादा हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं ठीक है वहाँ पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जो जनरल मीटिंग है उसके अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि हमें पंद्रह से ज़्यादा डायरेक्टर चाहिए ठीक है जी अब अब ये डायरेक्टर बहुत टाइप के हो सकते हैं रेजिडेंशियल मतलब जो इंडिया के अंदर रहता है 182 डेज तक ठीक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको ऑलरेडी बता दिया जिसका वो कंपनी के साथ कुछ लेन देन नहीं हो स्मॉल शेयर होल्डर जैसे मान लो कुछ जो स्मॉल शेयर होल्डर हैं अराउंड टेन परसेंट अगर ये बोलते हैं कि भाई हमने अपना भी एक डायरेक्टर वहाँ पर अपॉइंट करना है तो वो भी किया जाता है एक वुमन डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं डिपेंड करते हैं कंडीशन टू कंडीशन कि कितना उसका जो टर्न होना चाहिए उसके हिसाब से अपॉइंट करते हैं लेकिन इतनी डिटेल में हमने जाना नहीं है अल्टरनेट डायरेक्टर भी आप अपॉइंट कर सकते हो ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूं नॉमिनी ठीक है जैसे मान लो कोई बैंक है बैंक ने आपको लोन दिया ठीक है जी अब बैंक बोलती है बैंक या कोई भी क्रेडिटर है उसने पैसे दिए तो वो भी अपना एक जो डायरेक्टर है वहां पे नॉमिनेट करवा सकते हैं अल्टरनेट के अंदर भी जैसे मान लो कोई ए, सीट वेकेंट है ठीक है या फिर कोई डायरेक्टर है वो बाहर फ़ौरन कहीं पर गया हुआ है उसकी जगह के ऊपर आप अल्टरनेट डायरेक्टर भी रख सकते हो ठीक है जी तो ये डिफरेंट टाइप के डायरेक्टर हम रख सकते हैं अब बात करते हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना क्योंकि ये तो अप्लाई बाद में होंगे लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्या बोला गया अब इसको अपॉइंट जब करना है अपॉइंट कब करोगे जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाएगी जो शेयर होल्डर के अंदर शेयर होल्डर जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तभी आप इसको अपॉइंट करना है तो थोड़ा सा नॉर्म जो अपॉइंटमेंट के अंदर स्ट्रिक्ट और हो गए तो यहाँ पे 75 परसेंट वोट होगी जब उसके फेवर में उसी को अपॉइंट किया जाएगा ठीक है उसके बाद नॉमिनेशन रिमिन्रेशन कमेटी जो है एंड और ऑडिट कमेटी ठीक है उसके अंदर टू थर्ड जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए देखो जितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे उतना ही आपकी कंपनी जो है जो किसी की भी कंपनी है जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं मतलब जिनका कोई रिप्रेजेंट जो बी ओ डी के अंदर नहीं है उनको बेनिफिट होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक रैशनल डिसीजन लेने के लिए माना जाता है उसके अलावा कूलिंग ऑफ पीरियड भी रखा गया वन ईयर का ठीक है अगर उसने रेगुलर वहाँ पे होल टाइम डायरेक्टर बनना है कंपनी का तो वहाँ पे एक साल के लिए वहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड रखा गया लिस्टेड कंपनी है तो वो डिस्क्लोज करेगी जो भी रेजिग्नेशन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का उसका ठीक है उसके अलावा ट्रांजेक्शन वगैरह जो हैं वो भी वहाँ पे इम्प्रूव की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये वाली चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा एक्री डाइटेड इन्वेस्टर का भी नाम वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया ये एक नई जो कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है जो वेल्थी एंड वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं ठीक है थीके? उनको अलाउ करती है कि जो रिस्क प्रोडक्ट है जिनके अंदर बहुत रिस्क होता है कि पैसा बहुत आ भी सकता है कम भी आ सकता है वहाँ पे ये इन्वेस्ट कर सके ये इंडिविजुअल भी हो सकता है फैमिली भी ट्रस्ट भी बस इतनी आपको डेफिनेशन याद करनी है अगर हम यूपीएससी के अंदर इकॉनॉमी uh, के क्वेश्चन देखें तो इकॉनमी के क्वेश्चन कैसे आते हैं एक तो आपको बॉडीज़ के ऊपर आते हैं दूसरा वहाँ पर एक इंप्लीकेशन uh, के ऊपर आते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है क्या होगा अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ डिक्रीज़ या कुछ ऐसा तीसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो टर्म एक टर्म दी जाती है चार ऑप्शन होते हैं उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होता है उस टर्म को डिफाइन करने के लिए तो ये टर्म ही है जो आपको यहाँ पे एग्जाम के हिसाब से आपने पढ़नी है ठीक है जी ओके देन दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी मैंने आपको ये बताया था कि जब आपको क्वेश्चन आए जैसे हमारा डिफेंस सेक्टर बहुत इंप्रूव नहीं कर रहा तो आपने ये लिखना है कि जो जो अपना यूनिवर्सिटी लेवल है यहाँ पे जो एजुकेशन लेता है हायर एजुकेशन है वहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो उसके अलावा उसके बाद इंसान कहाँ जाएगा इंडस्ट्री के अंदर लेकिन दोनों के बीच में गैप बहुत है इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और है हम पढ़ कुछ और रहें इन दोनों का मैच होना बहुत ज़रूरी है जैसे यू वगैरह कंट्रीज़ के अंदर होता है इंडिया के अंदर ये नहीं था तो इसीलिए इंडिया ने अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाई है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रीनियरशिप स्किल यूनिवर्सिटी ठीक है दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाई है अब ये काम कैसे करेगी जैसे मान लो इंडस्ट्री को कोई कोई किसी टाइप की जो जॉब्स की डिमांड है, है ना इंडस्ट्री के अंदर तो यहाँ पे वही सिखाया जाएगा जो इंडस्ट्री की डिमांड है अगर मान लो एक साल बाद इंडस्ट्री की डिमांड चेंज होगी तो यहाँ पे भी वही सिखाया जाएगा जो उस टाइम पे इंडस्ट्री की डिमांड है इट मींस कि अगर यहाँ पे स्टूडेंट बाहर निकलेगा तो वो वो सब सीख चुका होगा जो उस इंडस्ट्री की डिमांड है उस टाइम पर इंडस्ट्रीज की जो भी डिमांड्स हैं तो इट मीन्स के उसको जॉब ईजिली मिल सकेगी अभी क्या होता है हमारे जैसे हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है तब जाके पता चलता है कि इंडस्ट्री के अंदर आपने कैसे काम करना है तो ये सारा इशू वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा पॉजिटिव स्टेप है और ऐसा इसको हमने फॉलो करना चाहिए ठीक है जी यहाँ पे जॉब रेडी है उसके अलावा जॉब प्रोवाइड करेगा ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया इसके अलावा यहाँ पे कुछ और खास नहीं है ठीक है एप्लीकेशन जैसे पंद्रह डिप्लोमा एटीन अंडर ग्रेजुएट दो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज वगैरह हैं अगर आपने दिल्ली के अंदर कहीं एग्ज़ाम वगैरह कुछ ऐसा हो तभी इसको याद करना इतनी डिटेल के अंदर नहीं जाना हमने ठीक है बस इतना यार करें दिल्ली ने मेंस के अंदर एग्जाम्पल आएगी प्री के अंदर आया तो वहाँ पूछे हैं किसने कौन सी स्टेट या यूटी ने इसको रिलीज़ किया इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या होगा कोर्सेज़ वगैरह क्या है ई कॉमर्स के ऊपर काम फोकस किया जाएगा डेटा एनालिटिक्स दैन डिजिटल डिज़ाइन ठीक है जी मीडिया दैन हाइजीन और जो मैनेजमेंट है ये सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाएगा क्योंकि यही अपनी डिमांड है एक सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ रही है जी एक तो अपना कोरोना आया और मेडिकल के अंदर काफ़ी डिमांड बढ़ रही है क्वालिफिकेशन क्या है ठीक है जी स्टूडेंट जो हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्ट बी ठीक है उनको क्या करना पड़ेगा पहले उनको यह पता करना पड़ेगा उनके उनका किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है यह भी तो पता करना पड़ेगा उसी फील्ड के अंदर काम करेंगे वो है ना तो यहाँ पे एक टेस्ट होगा पर्सनैलिटी एंटरप्रेन्योर माइंड सेट जनरल अबिलिटी टेस्ट ठीक है यह टेस्ट लिया जाएगा उसके बाद पता चलेगा भाई तेरा इस चीज़ के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है उसी के हिसाब से वहाँ पर जो कोर्स वो दिया जाएगा मल्टीपल एंट्री एग्जिट वो भी इसके अंदर अलाउड है इसके अलावा स्कॉलरशिप का भी प्रोग्राम यहाँ पे है ठीक है जी मर्जर विद अदर इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे मर्ज भी किया गया ठीक है जी बस इतना आपने याद रखना है सिग्निफिकेंस क्या है वही सिग्निफिकेंस है ऑलरेडी बता दिया कि जो एक गैप था डिमांड एंड सप्लाई का वो उसको यहाँ पे फुलफिल जो पूरा फिल कर दिया गया है तो अब जो डिमांड होगी उसके हिसाब से ही जो स्टूडेंट हैं उनकी जो वहाँ पे सप्लाई होगी तो इट मीनस के जो बहुत सारे लोगों को ये एम्पावर करने वाला है ठीक है जी निपुण भारत प्रोग्राम निपुण भारत प्रोग्राम क्या है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी देखो एसर की रिपोर्ट आई उसने बोला कि जो फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड है ना ऐसे बच्चे हैं भाई ये जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ भी नहीं सकते या कुछ भी मतलब बहुत ही ज़्यादा इनका बुरा हाल है है ना तो फिफ्थ क्लास तक भी जो स्टूडेंट है उनको डिफ़िकल्टी होती है पढ़ने में क्योंकि वहाँ पे स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है इश्यूज़ हैं प्राइवेट स्कूल उन्होंने बताया कि थोड़े बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल लेकिन तो अब हमें क्या ये बढ़ाना चाहिए हमें इनक्रीज़ करना चाहिए कि एटलीस्ट वो जो जो, जो, जो भी वर्ड्स हैं उनको पढ़ सकें है ना जो भी कुछ लिख सकें जो नंबर वगैरह उनको लिख सकें ऐसा कुछ करना पड़ेगा इसीलिए गवर्नमेंट लेके आई निपुण भारत प्रोग्राम तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने बाय ट्वेंटी सिक्सटी ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी सेवन ठीक है 20, 60, uh, 20, 27, जो क्लास थर्ड का चाइल्ड है उसके अंदर हम कैपेबिलिटी डाल देंगे क्या कैपेबिलिटी होगी ठीक है अंडरस्टैंड एट रेट ऑफ एट लीस्ट सिक्सटी वर्ड पर मिनट सिक्सटी वर्ड पर मिनट को वो अंडरस्टैंड कर सके टू रीड एंड राइट नंबर अप टू डबल नाइन डबल नाइन तो इतना उसका नंबर वगैरह वो, वो इतना पढ़ सके लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट आपको एक बेस लाइन तो बनानी पड़ेगी उसके हिसाब से आप आगे काम करोगे है ना तो इसके लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्लास जो थ्री का स्टूडेंट का तो ये नवंबर के अंदर स्टार्ट होगा मतलब आने वाले टाइम में तो इसके हिसाब से हम बेस लाइन स्टार्ट करेंगे कि कौन सी बेस लाइन है और हमने कैसे आगे अप्रूव कर इम्प्रूव करना है इसके अलावा क्या है इसके अलावा चाइल्ड एट्थ एंड नाइन्थ ईयर्स ठीक है दे शुड ऑल्सो राइट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस तो वो भी राइट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिख सके ये भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया देन स्टेज स्टेज वाइज टारगेट रखे गए हैं जैसे प्री प्राइमरी के लिए उसको भी कवर किया जाएगा आने वाले टाइम के अंदर ये और इसके अंदर हमें डिटेल पता चलेगी गवर्नमेंट कैसे काम करती है जब पूरा वहाँ पे डेटा हमारे पास आ हाँ जाएगा एक बेस लाइन का ठीक है जी इसके अलावा स्टोरी टेलिंग वगैरह ये सारी वहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए ओके अब ये पार्ट किसका है समग्र शिक्षा का ठीक है ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी अब सिक्सटी सिक्स ए आई टी एक्ट सुप्रीम कोर्ट हैरान होगी उसने बोला यार ये वाला एक एक्ट सिक्सटी सिक्स एक्ट जो है सेक्शन सिक्सटी सिक्स ऑफ आई टी एक्ट ये एक्ट हमने जो सेक्शन है बेसिकली हमने कब का ख़त्म कर दिया ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था अब ये किया क्यों था ये सेक्शन के अंदर ऐसा है जैसे मान लो आपने सोशल मीडिया के अंदर कुछ ऐसा एक पोस्ट डाल दी जो लगा बहुत ही ऑफेंसिव है तो आपको उठा के जेल के अंदर ले जाएंगे और तीन साल तक वहाँ पे जेल हो जाती अब ये तो जैसे पॉलिटिकल पार्टी है उसके अगेंस्ट थोड़ा सा किसी ने सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पे कुछ ऐसा डाल दिया और उसके बाद गवर्नमेंट उठा के उसको ले गई तो ये बहुत बड़ा इशू था कि भई आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कर्ब है है ना नाइनटीन वन के अंदर तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पे जो श्रेया सिघाल एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नाइनटीन वन ए को वायलेट करता है इसीलिए इस ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया लेकिन उसके बाद भी जो केसेस आ रहे हैं वो सारे वहाँ पे पुलिस ने बहुत ज़्यादा लोग इस सेक्शन के अंदर बुक कर रखे हैं तो अब देखो कि कब का सेक्शन हटा दिया अब भी वो पुलिस वाले उसके अंदर ही लोगों को जेल में भेज रहे हैं तो ये इसके अंदर डिस्कस किया गया है ठीक है जी अब बात करते हैं सर चैतुर संकरन नायर की ठीक है जी हिस्ट्री का टॉपिक है क्या क्या पढ़ना होता है हिस्ट्री के अंदर कोई अगर पर्सनलिटी न्यूज़ के अंदर है तो आपने ये देखना होता है कि जो भी आपने जैसे मान लो आपने आईएनसी पढ़ा है ना उसके बाद के आपने स्वदेशी मूवमेंट है जो सेल्फ गवर्नमेंट के पास साथ में कौन कौन सा था या कोई एक्ट है क्या ये पर्सनैलिटी उनमें से किस किस एक्ट के अंदर वहाँ पर मैंशन किया गया किसने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया बस ये आपको याद करना होता है जब आप पर्सनैलिटी पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर तो जल्दी से देखते हैं एटीन के अंदर इनका बर्थ हुआ लॉयर थे ठीक है जी अब देखो मैं जैसे ऐसे वर्ड जो भी बोलूँगा आपने ध्यान से सुना है कि क्या मैं वहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ जो चीज़ें ठीक है जी उसके अलावा यहाँ पर क्या हुआ जो इंडियन वकील हैं एडवोकेट्स बेसिकली उन्होंने ये बोला कोई भी ठीक है जो जूनियर एक्ट नहीं करेगा जैसे जो इंग्लिश बैरिस्टर हैं उनका कोई जूनियर एक्ट नहीं करेगा तो इन्होंने अपोज़ किया फियरलेस थे ठीक है तो अब वकील ने इनको अभी बायोकाट किया तो बेसिकली इनके अंदर अगर आप पेपर फोर के अंदर यूज़ करोगे फियरलेसनेस है ना और लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छी थी तो यही आपको यूज़ कर सकते हो एग्जांपल अब हिस्ट्री से एग्जांपल आ जो आपने पेपर फोर के अंदर यूज़ करनी है उसके बाद मैंटेग्यू यहाँ पर जो रिफॉर्म्स थे उसके अंदर भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया तो कौन सी साइड के ऊपर है ना मतलब ये रिफॉर्म है उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया अगर यू पूछेगी कि इन्होंने के भी पार्शियल है इन्होंने तो यू पूछेगी इन्होंने बहुत बहुं ज़्यादा सपोर्ट किया उसका बस यही स्टेटमेंट है यही हमने निकालनी होती उसके बाद इनको नॉमिनेट किया गया मद्रास एग्जेक्टिव काउंसिल के अंदर ठीक है जी इवन जो एडमिन मोंटेगे उन्होंने इनको क्या बोला इम्पॉसिबल पर्सन ठीक है बहुत ज़्यादा ये इसको आप आ, मेंस के अंदर अगर यूज करना है यूज कर सकते हो एस एच प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नहीं उसके बाद प्रेसिडेंट बने आईएनसी का तो यहाँ पे क्या वो बने थे हाँ बने थे ठीक है जी देन मद्रास हाई कोर्ट के अंदर परमानेंट जब जज वो अपॉइंट हुए ठीक है जी देन अपना लॉर्ड कर्जन आया तो उसमें जो यूनिवर्सिटी कमीशन था रैली यूनिवर्सिटी कमीशन उस वहाँ पे उनके वहाँ मेम्बर बने उसके बाद कैंपेनियन बने इंडियन एम्पायर का जो किंग एम्पायर वहाँ पर उन्होंने अपॉइंट किया इनको देन इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट ऑफ वाइस राय काउंसिल भी थे नाइनटीन फिफ्टीन के अंदर यहाँ पे अगर हम देखें कि क्या इन्होंने सोशल रिफॉर्म के अंदर काम किया गया यहाँ पे एक फेमस जजमेंट है बदसना फातिमा जजमेंट ठीक है जी यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो लोग हिंदुज्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं वो आउटकास्ट नहीं है दूसरी बात इन्होंने बोली प्रमोट किया इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिजेज को तो जैसे मान लो सोशल रिफॉर्मर है ना तो आपको यूपीएससी पूछती है कि सोशल रिफॉर्मर कौन कौन से हैं नीचे चार ऑप्शन होते हैं तो इनका नाम आया तो ये भी वहाँ पे इंक्लूड होगा इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बन सकता है क्योंकि ये यूपीएससी के अंदर आए हुए हैं उसके अलावा सेल्फ गवर्नमेंट ठीक है उनके लिए भी इन्होंने उनको इंक्रीज़ किया कि हाँ ठीक है सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया नाइनटीन के अंदर जब डायर की आई प्रिविसेज के अंदर जिले वाला बाग के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया मुझे आपने क्या बताना है मुझे आपने ये बताना है के जो ज़िले वाले बाग के अंदर वो जो जनरल डायर थे वो उनका एग्जैक्ट नाम क्या था दो जनरल डायर थे ठीक है जनरल डायर मतलब दो डायर थे एक तो पंजाब के उस टाइम पे वहाँ पे दूसरे गवर्नर थे और दूसरे अपने जो ज़िले वाले बाग के अंदर थे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और ठीक है और किन को और किसने मारा था ठीक है क्या वही थे जो जिले वाले बाकी में अंदर जहाँ पे जिन्होंने बोला कि गोली चलाओ वो उनको मारा था या किसी और को मारा था ये आपने थोड़ा सा ध्यान वहाँ पे मुझे बताना है उसके बाद गांधी जी ठीक है गांधी जी का भी जो ए, इन्होंने मेथड थे ठीक है जी जैसे नॉन वायलेंस सिविल डिसबीडियंस उसको भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया इन्होंने इन्होंने बोला कि ये वाले जो मेथड हैं ये अल्टीमेटली आपको राइट और ब्लड शेड वगैरह यहाँ पर क्रिएट करेंगे ठीक है जी उसके अलावा बाद में डायर का केस चला इंग्लैंड के अंदर इन्होंने उनको डिफ़ेम किया जेले वाले बाग के केस के अंदर तो उसके बाद वहाँ पे ये केस हार गए तो इनको बोला गया कि या तो आप पैसा दो इतनी पेनल्टी दो या आप माफ़ी मांग लो तो इन्होंने बोला माफ़ी नहीं मांगूंगा पेनल्टी मैं दे दूँगा ठीक है जी तो यही है इनकी जो स्टोरी तो ये हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है अब बात करते हैं दोस्तों असली मुद्दे की इकॉनमी डे टू चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए डी बोल रहे हैं बी सी डी अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है क्या पूछा था उन्होंने हाँ फॉरेस्ट एरिया को देखो फॉरेस्ट एरिया को जब आपने आ, किसी एरिया से कट करना होता है तो क्या होता है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है लेकिन यहाँ पे सेंटर का भी रूल जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आई थी उन्होंने जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन दी है जहाँ पे भी ट्रीज़ हैं उन्होंने एक बहुत जनरल यहाँ पे डेफिनेशन उसकी दी थी लेकिन जो अगर हम बात करें कि मान लो फॉरेस्ट एरिया को जब डिक्लेयर करते हैं जैसे अपना ये वाला केस हुआ था महाराष्ट्र का है ना यहाँ पर वो शेड बनाने की वहाँ पर बात हुई थी तो क्या होता है कि जब आपने इस के बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर करते हो तो सेंटर के अंदर उसकी जुरिस्टिक्शन थोड़ी सी आ जाती है सेंटर इंटरफेयर कर सकती है जब इसीलिए बहुत सी स्टेट्स ने जो एरिया है उसको फॉरेस्ट एरिया नहीं डिक्लेयर किया हुआ तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट थी वो तो बिल्कुल ही अलग चली गई थी सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ही वो जो डेफिनेशन ली है फॉरेस्ट की यहाँ पे भी ट्रीज़ खड़े हैं वो अपना फॉरेस्ट है दूसरा हमारे पास फॉरेस्ट की डेफिनेशन है कि जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इनके कुछ एक्ट हैं है ना या फिर आपका जो भी रेवन्यू अकाउंट है उसके अंदर जो भी एरिया था वो फॉरेस्ट है लेकिन तीसरी डेफिनेशन और है वो है फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट कवर जो हमारा जो स्टेट रिपोर्ट आती है है ना फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट आती है अपनी उसके अंदर यह बोला गया कि वन हेक्टेयर से जो ऊपर है है ना टेन परसेंट कन्ोपी वो एरिया अपना फॉरेस्ट है होगा चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है इसके अंदर बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन पूछा गया था शुभांगी जी ने पूछा है क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट बिल्कुल तो सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन थी वो तो बिल्कुल डेफिनेशन सिंपल है ठीक है तो, तो कवर भी करवा दूंगा मैं किसी दिन अगर यहाँ यहाँ पर टाइम मिला तो या न्यूज़ के अंदर आया डेफिनेटली वहाँ पे हम उसको कवर कर देंगे तो यहाँ पे सी डी सी डी ठीक है अच्छा क्वेश्चन है और अपना ऑप्शन है सी पहली बात करते हैं अंडर द एक्ट नेशनल फूड कमीशन वाज फॉर्म्ड नेशनल फूड कमीशन नहीं जो भी इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेट के लेवल के ऊपर होगी उसके लिए स्टेट फूड कमीशन बनाए गए ठीक है जी उसके अलावा रूरल एंड अर्बन कवरेज अंडर यहाँ पे सेवेंटी फाइव परसेंट नहीं है सेवेंटी फाइव परसेंट रूरल है और उसके बाद जो स्टेट है उसका कितना है उसका अराउंड सिक्सटी परसेंट के आसपास है फिफ्टी परसेंट ठीक है जी तो दोनों का अगर हम देखें अराउंड सिक्सटी सिक्स परसेंट बनता है ठीक है जी तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखा इवन नीति आयोग ने बोला कि अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई थी नीति आयोग ने बोला इसको भी और कम करें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने अभी रिसेंटली भी किया सिक्स हंडर्ड कैलरी यहाँ पे यूपीएससी ने इंक्रीज करके आपको ऑप्शन भी दिया था ठीक है जी फ्री आ, मील लोकल आंगनबाड़ी के अंदर सिक्स थाउजेंड इंस्टॉलमेंट के अंदर छः से चौदह साल के बच्चे को जो टेक होम हॉट मील लेके जा सकता है जहाँ राशन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर दिया जाता है उसके अलावा बी एंड ए दोनों को कवर किया जाता है ये आपने ध्यान रखना है तीसरी बात अगर मान लो यूपीएससी आपसे पूछे कि सपोज करो किसी स्टेट ने इसको प्रोवाइड नहीं किया है ना फूड वगैरह नहीं प्रोवाइड किया तो क्या होगा उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी या कुछ फंड वो सेंटर के अंदर जमा करेगी या कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है अगर स्टेटमेंट नहीं आ, स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती है ना कि मान लो उसने नहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना तो वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का मेथड अपना सकते हैं चंडीगढ़ पौंडिचेरी वगैरह यहाँ पर ये काम करते हैं इवन यू टी प्रोवाइड फूड ठीक है अगर स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर नहीं तो उसको भी जो सिक्योरिटी अलायंस वगैरह देना पड़ेगा तो और भी मेथड है ऐसा नहीं कि ये आपको प्रोवाइड करना ही करना है स्टेट फूड कमीशन बनाएंगे ऑलरेडी बता दिया जो एल्डर वुमेन है अठारह साल से ऊपर उसका राशन कार्ड और वही वहाँ पर कंसिडर की जाती है हेड ऑफ द हाउस होल्ड चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों ज्योति ने बोला कि क्वेश्चन पढ़ दीजिए देखो क्वेश्चन मैं पढ़ता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में मैं नहीं हूँ आपके पास एग्ज़ाम के अंदर आपने पढ़ना है इसलिए मैं टाइम देता हूँ आपको कि एटलीस्ट आप क्वेश्चन पढ़िए क्योंकि कई बार पढ़ने में गलती होती है तो मैं पढ़ूंगा है ना तो आप मेरे ऊपर डिपेंड रहोगे तो एग्ज़ाम के अंदर आपने पढ़ना है तो एटलीस्ट आप थोड़ा ट्राई कीजिए ठीक है अगर कोई और इशू है तो मैं डेफिनेटली ज्योति पढ़ दूँगा ऐसा कोई यहाँ पर इशू नहीं है ठीक है तो आप कोशिश कीजिए आप खुद उस क्वेश्चन को पढ़िए बी आंसर दे रहे हैं ए भी दे रहे हैं बी भी दे रहे हैं आंसर अब ये ऐसा इशू क्यों आ रहा है आपको पता है कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था अगर 50 से ऊपर है है ना मैनेजर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इकॉनमी के अंदर जो उनके ऑर्डर्स हैं वो ले के आ रहे हैं वो ऑर्डर के अंदर क्या इंक्रीज है क्या डिक्रीज है उसके हिसाब से हम देखते हैं इकॉनमी ग्रो करेगी या नहीं करेगी तो यहाँ पर अबाव फिफ्टी ये रिप्रेजेंट क्या करता है एक्सपेंशन रिप्रेजेंट करता है डेफिनेटली लेकिन अगर आप देखोगे ओके ठीक है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दूंगा तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बी ठीक है तो पर ईयर प्रीवियस ईयर यहाँ पे ईयर नहीं है तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन इजी था आपने पढ़ा भी होगा लेकिन आपने ये वाली चीज़ छोटी सी चीज़ है इसको आपने निगलेक्ट कर दिया यही यू बाद में पूछ लेती है तो यहाँ पर अपना आंसर है प्रीवियस मंथ ठीक है मंथ के हिसाब से होती है अगर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी अपनी कितनी ग्रो करेगी कितनी नहीं क्विकली हमने दो बार पढ़ा है क्विकली मैं इसको वही वर्ड बोलूंगा जो यू के लिए इंपॉर्टेंट है पहली बात किसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दोनों के लिए बिल्कुल दोनों के लिए दूसरी बात ये कौन इसको रिलीज़ करता है यहाँ पे मार्केट ग्रुप इतना एटलीस्ट आपको ये नाम याद होना चाहिए उसके अलावा कैलकुलेशन जो इसका सर्वे बेस्ड है ठीक है क्या अब इसका जो रिजल्ट आता है है ना इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बाद सेपरेटली करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दोनों के लिए अलग अलग उसके बाद कंपोजिट बनाते हैं ठीक है जी पांच मेजर सर्वे हैं जैसे मान लो न्यू ऑर्डर कितने आए आपके पास इन्वेंट्री लेवल क्या है प्रोडक्शन सप्लाई डिलीवरी वगैरह कितनी है एम्प्लॉयमेंट कितनी है उसके हिसाब से हम एक एस्टीमेट लगाते हैं कि इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है या श्रिंक कर रही है उसके अलावा आप तीन चीज़ें हो सकती हैं जीरो से हंड्रेड तक स्कोर है अगर पचास से ऊपर है तो एक्सपेंशन कर रहा है प्रीवियस मंथ ये चीज़ आपने याद करनी है उसके अलावा अगर पचास ही हुआ तो कोई चेंज नहीं अगर पचास से कम हुआ तो वहाँ पर कंट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगी ठीक है जी तो स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ इसको रिलीज किया जाता है ठीक है दोस्तों चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं विच मंग दी फॉलोइंग इस आर इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर पहला है सौभाग्य सेकेंड दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना थर्ड है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फोर्थ है उजाला ठीक है जी तो ऑप्शन है वन एंड थ्री ओनली टू एंड फोर ओनली वन टू एंड फोर ओनली ऑल ऑफ द नेहा ने पूछा है कि हम कहाँ पे पीडीएफ डी यहाँ पे अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ वहाँ पे पीडीएफ का लिंक है वहीं से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो ठीक है जोया ने आंसर दिया है ए अमन जी सी आंसर दे रहे हैं ओके ज्योति ने बी आंसर दिया है संदीप डी मोहन जी ने डी आंसर दिया है सरिता ने ए देखो गलतियां करो गलतियां करो कोई उसमें मैं तो चाहता हूं मैं छोटी छोटी चीज़ें वर्ड को इसीलिए चेंज करता हूं जो भी गलतियां यूपीएससी से होती हैं जैसे हमारा खुद का एक्सपीरियंस है हमने भी टेस्ट दिया इतनी बार कि क्या क्या वहाँ पर गलतियाँ होती हैं वो सारी है मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चन फ्रेम करूँ ताकि आप भी वैसे ही गलतियाँ करो लेकिन आप घर के अंदर ही उसको करो बजाय वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर बस इतना हमारा जो पर्पज़ ही यही है पांच क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पांच क्वेश्चन मैं बोलूँ कि इसमें से ही आएगा कि किसी को कुछ नहीं पता बोलने वाले बोल देते हैं कि भाई यहाँ पर मैं जो पढ़ा दिया वही आएगा हम नहीं बोलते ऐसा ठीक है तो जो भी आएगा लेकिन हाँ आप एक बेटर प्लेस के ऊपर हो गए वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट अगर आप इसको सिंसियरली अटैम्प्ट करते हो आंसर निकाल के नोट्स बनाने वाली बात नहीं है आपने सिर्फ़ गलती को ऊपर ध्यान देना है ठीक है ए डी डी सी डी बी बी ए मिनिस्ट्री एंड देयर डिपार्टमेंट प्लीज़ प्रोवाइड कर दीजिए देखो हम जो नेक्स्ट वीक है वहाँ से कुछ कर रहे हैं कोशिश के थोड़ा सा इसको भी और रिफ़ाइन किया जाए इन चीज़ों को तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ जो भी इन्होंने अभी 1980 के बारे में बोला गया हाँ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में बोला ये टॉपिक जो है ये बहुत ही बड़ा है तो बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि ये कंफ्लिक्ट है दोनों के बीच में ठीक है जी जब महाराष्ट्र का केस था उस टाइम के ऊपर ये न्यूज़ के अंदर आया था तब कवर किया था तो मैं इसको दोबारा वहां पे डिस्कस यहां पे करूंगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने कभी डिस्कस नहीं किया वो टॉपिक कर दूंगा टॉपिक तो जो जो भी आपकी डिमांड्स हैं आने वाले इसी मंथ के अंदर बहुत सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं तो यहां पर आंसर है वन टू एंड फोर जो थर्ड है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो पहले क्विकली आपको रिवाइज भी करवाना है तो करवा देते हैं सौभाग्य प्रधानमंत्री यहाँ पे सहज बिजली हर घर योजना ये 2017 के अंदर स्टार्ट हुई अब पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर कवरेज कौन हो रही है ए पी एल बोथ ए पी एल और पुअर दोनों को कवर कर रहे हैं ठीक है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो है ये बेसिकली नोडल एजेंसी है ठीक है जी डिस्कॉम वगैरह ऑर्गेनाइज करेगी बेनिफिशियरी कहाँ पे हैं जो सेक्ट डेटा के अंदर है तो इसको आइडेंटिफाई किसी भी स्कीम के अंदर जो बेनिफिशियरी है उसको आइडेंटिफाई कौन करता है ये करती है अपनी स्टेट गवर्नमेंट ये हमने ध्यान रखना है उसके अलावा यहाँ पे अनिलेक्ट्रीफाइड जो हाउस होल्ड हैं जो सेक्ट डेटा के अंदर नहीं कवर उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा पाँच सौ रुपये वगैरह यहाँ पे दे के रिकवर वहाँ पे जो पेमेंट जो देनी पड़ेगी और इस स्कीम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा ठीक है ये हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है उसके अलावा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ठीक है जी अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो मतलब इसके अंदर जो फंडिंग है उसका मेथड थोड़ा सा अलग है जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कोई पैसा वगैरह नहीं देना ठीक है डिस्कॉम वगैरह वहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है मनी ठीक है ओके okay. तो सारी स्टेट अराउंड हंड्रेड परसेंट जो है उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल हाउस होल्ड यह डिक्लेयर कर दिया था टू के अंदर लेकिन कुछ वगैरह जैसे नेचल एरियाज हैं उन्होंने नहीं किया था उसके अलावा बात करते दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की मिनिस्ट्री ऑफ पावर ठीक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल विलेजेस यहाँ पे जैसे मान लो फीडर लाइन प्रोवाइड की गई फीडर लाइन इन सेंस कि जैसे मान लो अभी क्या होता था कि हाउस होल्ड और जो एग्रीकल्चर है दोनों की सेम लाइन थी है ना इलेक्ट्रिसिटी दोनों के अंदर जा रही थी मान लो हाउस अब जैसे सीजन आ गया तो एग्रीकल्चर को देनी है तो हाउस होल्ड के अंदर बहुत सारे कट लगते थे तो इन्होंने बोला कि अलग अलग उनको प्रोवाइड करेंगे जो एग्रीकल्चर की अलग लाइन रहेगी उसकी जो हाउस होल्ड है उनकी अलग रहेगी लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये यह है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिफाइड विलेज किसको बोलेंगे आप तो अगर टू, टू थाउजेंड से पहले की डेफिनेशन है एक हमारे पास नाइनटीन एनटी सेवन की बात की है उसके अलावा एक हमारे पास 2004 के फोर की बात की है तो 2004 के बाद की हमने याद रखनी है यहाँ पे क्या बोला इन्होंने पहली आपने जो एक मेन चीज़ याद करनी हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड शुड बी एटलीस्ट टेन परसेंट ऑफ टोटल हाउस होल्ड मतलब उस विलेज को आप इलेक्ट्रीफाई बोलोगे अगर सौ घर हैं वहाँ पे तो अगर आपने दस को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया तो आप पूरे विलेज को इलेक्ट्रीफाइड बोल सकते हो लेकिन इसके अलावा और भी काम करना है जैसे पब्लिक प्लेसेस स्कूल वगैरह वहाँ पे पंचायत ऑफिस वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर वगैरह वो भी वहाँ पे प्रोवाइड किए होने चाहिए तो ये आप बट थर्ड स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रीफाइड जो विलेज है उसकी जो डेफिनेशन क्या है तो ये ऑफिशियल गवर्नमेंट ने वहाँ पे यहाँ पे आप अगर आप देखोगे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और ये है अपनी डेफिनेशन तो सोर्स अपना ऑथेंटिक है कोई यहाँ पे इशू नहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही पेट्रोलियम मिनिस्टर तो ये है अपनी पेट्रोलियम मिनिस्टर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एल कनेक्शन देंगे रबर ट्यूब देन प्रेशर रेगुलेटर वुमेन बिलो पॉवर्टी लाइन ठीक है उनको अब यहाँ पर अगेन आइडेंटिफाई कौन करेगा स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी सेक्ट डेटा यहाँ से इसको लेके कि किन किन को ये मिलेगा ठीक है हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट बनी 2019 के अंदर यहाँ पे 100 परसेंट जो एल कवर हुआ ठीक है अभी जो कोरोना के टाइम के ऊपर यहाँ पे फ्री एल सिलेंडर वगैरह भी प्रोवाइड किए गए उसके अलावा उजाला स्कीम है ठीक है एंड एल दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे उजाला स्कीम के अंदर क्या है हमने करना ई एस जो पी है ये यह यहाँ पर काम करता है मेनली सब्सिडाइज एल वगैरह भी दिए जाते हैं है ना ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी ठीक है जी एल ई डी बल्ब दिए जाएंगे फोर्टी परसेंट जो आपको पता है आधार कार्ड या कोई भी आई डी कार्ड लेके जाते हो आपको सब्सिडाइज एल पी एल ई डी वगैरह वहाँ पर मिलते हैं इसके अलावा यहाँ पे एस एन एल पी स्कीम भी है ठीक है यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बहुत सारे अगर आप देखो येलो कलर के बल्ब लगे होते हैं रोड्स के ऊपर उसको एल डी से एल ई डी से जो ए, रिप्लेस किया जाता है ताकि एनर्जी एफिशियंट हो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम्म बिल्कुल जॉयज ठीक है तुम्हारा अरे रेशो की याद करने की जरूरत नहीं होती है किसी के अंदर सिक्सटी फोटी होती है किसी के अंदर फिफ्टी फिफ्टी होती है ऐसे तो बहुत सी स्कीम्स होंगी किस 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 का याद करोगे यू पूछती भी नहीं है ठीक है तो यू पी सेंटर सेक्टर है या सेंटर स्पॉन्सर्ड है या यू बोल देगी कि पूरी जो टोटल अमाउंट है वो सेंटर ही शेयर करेगी या बोल देगी जो अमाउंट है सेंटर और स्टेट के अंदर शेयर की जाएगी अदरवाइज तो जो स्कीम्स है आप सौ स्कीम पढ़ रहे हो सौ स्कीम के अंदर आप किस किस का जो रेसो याद करोगे फिर तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी ना तो थोड़ा सा हमने इस हिसाब से चलना पड़ता है ठीक है जी और अगर मान लो आ गया तो जिसका ठीक होगा वो तुके से ठीक होगा नहीं तो सभी का गलत है तो हम मान के जब सभी का ही गलत है तो फिर आपका रैंक के अंदर तो फर्क आएगा ही नहीं कोई ठीक है ना तो ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना होता है डी आंसर दिया है जो है ने, दीपक ने डी दी बोला है नेहा ने सी बोला है अमन मिश्रा डी आंसर आयुषी ने बोला सी वेट करूंगा मैं तो यहाँ पे क्वेश्चन को अभी बोल देता हूँ मार्जिनल फार्मर लेस देन टू हेक्टेयर स्मॉल फार्मर टू टू फोर हेक्टेयर मीडियम फार्मर फोर टू टेन हेक्टेयर लार्ज सॉरी लार्ज हेक्टेयर नहीं है यहाँ पे लार्ज फार्मर्स हैं लार्ज फार्मर मोर देन टेन हेक्टेयर ऑप्शन है वन एंड फोर ओनली टू थ्री एंड फोर ओनली थ्री एंड फोर ओनली ऑल ऑफ दी दल्ड तो डी डी आपके आंसर आ रहे हैं ओम जी ने आंसर दिया डी चलिए तो आंसर आपका डी बिल्कुल भी नहीं है आंसर है थ्री एंड फोर ये क्वेश्चन डिजाइन इस हिसाब से किया है कि आपको पता है कि मार्जिन वाला आएगा उसके बाद स्मॉल आएगा देन मीडियम आएगा देन लार्ज आएगा ये कहाँ से अब हर जगह पे थोड़ी थोड़ी अलग यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है लेकिन ये पी का वहाँ पे मैंने निकाला हुआ तो ये पी से ऑथेंटिक सोर्स है कोई यहाँ पे इशू नहीं है मार्जिनल फार्मर कौन होते हैं बिलो वन हेक्टेयर स्मॉल क्या होते हैं वन टू टू हेक्टेयर तो जल क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं यहाँ पे स्मॉल वन टू टू हेक्टेयर है मार्जिनल जो है ठीक है वो वन बिलो वन हेक्टेयर है उसके अलावा सेमी मीडियम टू टू फोर है मीडियम फोर टू टेन है लार्ज टेन है दूसरी बात मैं एक और डिस्कस करना चाहता हूँ जैसे मान लो कई बार आप कोई क्वेश्चन करते हो यू का भी करते हो हमने बहुत से क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जहाँ पर दो आंसर बनते हैं यू एक आपको ऑप्शन देती है और दूसरा भी कहीं ना कहीं जो मटीरियल से किसी न किसी से वो करेक्ट बनता है लेकिन तब भी चाहे दोनों करेक्ट है यू वही आंसर अडॉप्ट करती है जो मोस्ट परफेक्ट है ठीक है हो सकता है यूपीएससी के अंदर चार ऑप्शन है बी भी करेक्ट हो और ए भी करेक्ट हो लेकिन जो ज्यादा करेक्ट होता है यूपीएससी उसी को अडॉप्ट करती है ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों ठीक है तो यहां पे लास्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन रिसेंटली असीम पोर्टल सीन इन न्यूज रिलेटेड टू नंबर वन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नंबर टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन नंबर थ्री ऑनलाइन एजुकेशन मटीरियल नंबर फोर एनर्जी एफिशिय तो अगर तो आप यहां पे तुक्का लगाओगे कि डबल ई दोनों के किसके अंदर है तो यहां पे फिर आपका आंसर अपने हिसाब से बना सकते हो लेकिन ई तो सभी के अंदर है हम्म यही जो है यही बात कर रहा हूं मैं कि हम यूजुअली वही करते हैं लेकिन जो ऑथेंटिक इसीलिए तो मैंने वो चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं आपको जो ज्यादा ऑथेंटिक है यूपीएससी तो ऐसी चीजों से ही निकालती है यू ना तो विकीपीडिया खोलती है है ना ऐसी चीज़ें नहीं निकालती तो जो गवर्नमेंट का सोर्स है वही मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसी क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में फिर गलती होती है इंसान को लगता है यार पढ़ा भी है तब भी गलती कर ली फायदा क्या है ना डी एहन ने बोला कि सर आपके वैल्यू एडिशन वाले वीडियो कैसे देखिए देखो वीडियो अगर जो भी है आपने देखनी है डी एन डी भी है वीकली एडिटोरियल भी है ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइडर हैं अगर आप नए हो बिल्कुल और आप चाहते हो कि मार्च से हम ये वीडियो के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें तो बेटर ये है कि आप पहले पीडीएफ देखो पीडीएफ डाउनलोड की हमारी साइट के ऊपर जाओ वहाँ पे आपको डी एन डी का एक वहाँ पर मिलेगा फोल्डर उसके अंदर जो वर्कशीट भी है एम सी क्यू भी है उसके अलावा यहाँ पे ये भी है ठीक है जो डेली क्लास होती है उसकी पी डी एफ़ भी है तो उसके पी डी एफ देखो अगर आपको कोई टॉपिक वहाँ पर लगता है यार ये वाला टॉपिक समझना है उसी दिन की यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओ वहाँ पर भी प्ले लिस्ट बनी हुई है उसी डेट का खोल के उसको देख लो ये बेटर है अगर आप पहले से देखते आ रहे हो काफी स्टूडेंट है जो पहले से देखते आ रहे हैं और बहुत ज्यादा उनके अंदर इंप्रूवमेंट भी आई है ठीक है जी तो ये आप ऐसे कर सकते हैं ठीक है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ठीक है जी तो बेसिकली ये असीम पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल यहाँ पे जो गैप है है ना डिटेल है वर्कर बेस्ड ऑन रीजन एंड लोकेलिटी ऑफ इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री डिमांड है और यहाँ पे जो स्किल लेवल है उसको मैच करने की कोशिश की गई है ताकि यहाँ पे जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके तो स्किल के ऊपर आता तब भी ये करेक्ट था एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है तब भी ये करेक्ट था ठीक है दोस्तों तो आपने थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है ठीक है जी तो चलिए मिलते हैं मैं टॉपिक कवर कर दूँगा जो आपने इन्होंने पूछा भी था टॉपिक तो मिलते हैं फिर कल थैंक यू वेरी मच